बाबू लोग, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। द रिंग्स ऑफ पावर का सेकंड सीजन आ चुका है, जिसमें अभी तक सिर्फ 4 एपिसोड रिलीज करे गए हैं, जिसमें आज फर्स्ट एपिसोड को रिव्यू और एक्सप्लेन करेंगे। मैं लेट हो चुका हूं, लेकिन कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। बाबू, सीजन 1 जहां खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट करा गया है, जो भी फर्स्ट सीजन में दिखाया गया था, कैसे हेलब्रैंड ने ग्लैडियल का चूतिया काटा शुरू से लेकर लास्ट तक, जबकि सौरॉन वही होता है ब्लैक मैजिक किंग जो न्यू डार्क लॉर्ड बनना चाहता है मॉर्डोर का यानी ऑक्स का। सीजन पेस के साथ स्टार्ट होता है सीजन 2 और हेलब्रैंड की सच्चाई अब लगभग सबको पता चल चुकी है, जो सिर्फ अभी तक ग्लैडियल को ही पता थी। अब एलरॉन्ड एंड किंग ऑफ एल्व्स यानी गिलगैलिड को भी पता लग चुका है, जिस वजह से ग्लैडियल को बहुत सी बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली निगाहों से देखा जा रहा है, क्योंकि वो कमांडर थी उस सेना की यानी एल्व्स की, क्योंकि इतने बड़े दुश्मन को सिर्फ यूं ही जाने देना, यूं ही निकलने देना, खैर क्या करें, मोहब्बत साली बड़ी कुत्ती चीज होती है। और ग्लैडियल को अपने हेलब्रैंड भाई से हो चुकी थी। 3 पावरफुल रिंग्स हेलब्रॉन ने कैलिब्रिमोर के साथ मिलकर बनाई थी, वो एल्फ्स के हाथ अब लग चुकी है, जिसे एलरॉन ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी और भाग के किरदान के पास जाता है। लेकिन द पावर रिंग्स ने, उसकी चकाचौंध ने, उसकी ग्लोरी ने किरदान का मूड बदल दिया और उसे डिस्ट्रॉय ना करने की जगह उसने उसका इस्तेमाल करना उचित समझा। एक खुद पहन ली, बाकी की 2 ग्लैडियल और गिलगैलिड को पहना दी। और यहां से लंदन में एक नई ताजगी आ गई, क्योंकि गोल्डन ट्री खत्म हो रहा था और यह साइन था एल्फ्स को, एल्फ्स का मिडिल अर्थ से वापस जाने का यानी उसे छोड़ने का, लेकिन रिंग्स ने काम किया और नई उमंग देखने को मिली। दूसरी तरफ स्टार्टिंग में ही सौरॉन की मौत देखने को मिली बाय द लॉर्ड ऑफ ऑक्स अडार, जो सौरॉन की इतनी लंबी तपस्या को चुटकी में खत्म कर दिया, मसल दिया, क्योंकि डार्क लॉर्ड मॉर्गोथ के मरने के बाद अब सौरॉन को न्यू डार्क लॉर्ड बनना था ऑक्स का, जो ऑक्स को कंट्रोल करेगा और मिडिल अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन ऑक्स सौरॉन को डिनाई करते हैं और अडार धोखे से सौरॉन को पेल देता है, और अब फिर सौरॉन न्यू स्टार्ट कर चुका है, जहां ऑक्स डरे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि सौरॉन मर चुका है, लेकिन बाबा यह असलियत सिर्फ अडार को पता है, वो इसे सिर्फ यही जुमलेबाजी में रख के बैठा पड़ा है कि सौरॉन मर चुका है, लेकिन सौरॉन नहीं मरा है और ये अडार को ही बताए। दूसरी तरफ मिस्ट्री मैन, जो एक मिटियोर बनकर मिडिल अर्थ की ऐसी छुपी हुई जगह नियर द मिस्टी माउंटेन्स के बीच में अराइव हुआ यानी गिरा, जहां हार्फुट ट्राइब छुप के रह रही है, जो हॉबिट्स के एंसेस्टर्स हैं, जिसकी आइडेंटिटी शो मेकर्स काफ़ी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस मिस्ट्री मैन की, बट बहुतों का मानना है कि ही इज वन ऑफ ऑल फेवरेट विजार्ड गैंडोल्फ हो सकता है। खैर, वो एक ट्रेवल में निकल चुका है, जिसका साथ 2 हार्फुट यानी नॉरी और पॉपी दे रहे हैं। खैर, हमें हॉबिट मूवी में मेल हॉबिट यानी बिल्बो बैगिंस देखने को मिला था गैंडोल्फ की मदद करते हुए पूरी जर्नी में, लेकिन यहाँ पर फीमेल हॉबिट कैसे दिख रही है, इसके पीछे भी कहानी है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। और तीसरी तरफ सौरॉन फिर से पकड़ा जाता है ऑर्स और अडार के द्वारा, लेकिन इसमें भी उसकी चाल है, एक फेक आइडेंटिटी से ऑक्स को चकमा देना चाहता है और अपने पुराने फ्रेंड्स कैलिब्रिमोर के पास चला जाता है अपने नापाक इरादों को लेकर, और यहाँ पर एपिसोड बाबा खत्म। बाकी सेकेंड एंड थर्ड एपिसोड पर भी जल्दी एक्सप्लेन एंड रिव्यू लेकर आएंगे, और 4th एपिसोड भी निकल चुका है, तो कल शाम तक 4th एपिसोड भी कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद जो भी नए एपिसोड्स आएंगे उन्हें टाइम टू टाइम आपके सामने रख दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो बाबा, दिस इज द रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि भाई बहुत स्लो चल रहा है, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सेकेंड एज की कहानी दिखाई जा रही है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के टाइम पर, और जो हमने हॉबिट में देखा था वो शायद 3rd एज की कहानी थी, दैट्स वाई कि वो इतना कनेक्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन ये उससे पहले की कहानी है। तो भाई अभी वेट करो, बहुत मजा आने वाला है, स्टेप टू स्टेप देखो। जिसने फर्स्ट सीजन नहीं देखा वो फर्स्ट सीजन कंप्लीट करो, देन सेकंड सीजन भी देखते रहो, बाकी आपको जो समझ में नहीं आता है हम उसको कनेक्शन करेंगे, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, और मजा आएगा बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।